तारीख़ आलम और तारीख़ इस्लाम में बहुत कम ऐसे हुक्मरान गुजरे हैं जिनकी इज्जत मुसलमानों के साथ साथ ईसाई भी करती हों और उनकी बहादुरी और दानिशमंदी से मुतासिर होकर उनकी मिसालें देती हों। इन्हीं अजीम तरीन नामों में से एक नाम सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी का भी है। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी अयूबी सल्तनत के बानी थे। इनका पूरा नाम सुल्तान सलाहुद्दीन यूसुफ बिन अयूब है और वो 1138 ईस्वी में मौजूदा इराक के शहर टिक्रिक में पैदा हुए, जो कि उस वक्त कुर्दिस्तान था। यूं आप कुर्द भी थे। आपकी क़यादत में अयूबी सल्तनत ने मिस्र, शाम, यमन, इराक, हिजाज और दियार बाकी पर हुकूमत की। आपको फातह बैतुल मुकद्दस भी कहा जाता है, क्योंकि आप ही वो हस्ती हैं जिन्होंने 88 साल बाद हज़रत उमर के फतह किए हुए बैतुल मुकद्दस को जालिम ईसाइयों के कब्जे से बाजियाब करवाया। आपके वाले नजमुद्दीन अयूब सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की फ़ौज के सिपा सलार थे और आप यूँ सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की फ़ौज में एक अफसर मुकर्रर हो गए। आपने मिस्र पर अपने चचा की क़यादत में हमला किया और फतह हासिल की। मिस्र की फतह के बाद सन 1171 ईस्वी में इन्हें मिस्र का हाकिम बना दिया गया। इसी अरसे के दौरान उन्होंने यमन को भी फतह कर। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद उनका बेटा सुल्तान मलिक साले एक नाहल हुक्मरान साबित हुआ। वो अपने दरबार के लालची हमरा के हाथों एक कठपुतली साबित हुआ। सुल्तान मलिक साले की इसी नाहली का फ़ायदा उठाते हुए लालची दरबारी उमरा ने जंगी सल्तनत पर कब्ज़ा शुरू कर दिया। उन लालची उमरा को सबक सिखाने और कैफ़र के दार तक पहुँचाने के लिए सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात के बाद 1174 ईस्वी में हुक्मरानी पर फायद हुए। यहाँ से उन्होंने मजीद फतूहात का एक सिलसिला शुरू किया और देखते ही देखते शाम, दमिश्क और मोसल वगैरह को फतह कर लिया। यूँ अपनी सल्तनत को मजीद वसअत दी और अपने जंगी कारनामों में नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह पर भी बाजी ले गए। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी में जज्बा जहाद कूट कूट कर भरा हुआ था। इसी दौरे हुकूमत में इनका रेजिनाल्ड के साथ और दूसरे ईसाई हुक्मरानों के साथ 4 साल अमन माहदा हो चुका था, मगर ये महज रस्मी और कागजी साबित हुआ, क्योंकि सलीबी अफवाज अपने इस्तेशाल अंगेजियों, कत्लोगारत और लूटमार में मसरूफ थी। यहाँ तक कि वो मुसलमानों के काफिलों को बाकायदा लूट रहे थे, मगर जब 1186 ईस्वी में रेजिनाल्ड ने बाकी ईसाई उमरा के साथ मदीना मुनव्वरा पर और हजरत मुकद्दस पर हमला का इरादा किया तो हद ही हो गई। सलाहुद्दीन अयूबी को इसकी खबर हो गई और उन्होंने रेजिनाल्ड का ताकुब किया और हतीन में उसे जा लिया। लहजा यहाँ एक गुमसान की जंग हुई जिसमें 30,000 ईसाई हलाक हो गए और इतने ही ईसाइयों को कैदी भी बना लिया गया, मगर ये रेजिनाल्ड बाज ना आया और काफिलों पर हमले करता ही रहा। एक दफ़ा उसने एक हाजियों के काफिले पर हमला कर दिया और हाजियों से कहा, बुलाओ अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तुम्हें बचा लें। यह कहकर उसने तमाम हाजियों को वहीं शहीद कर दिया। जब ये खबर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को पहुंची तो वो गुस्से से तिलतिला उठे और उसी मौके पर कसम उठा ली कि जब तक इस जालिम को कत्ल नहीं करूँगा तब तक चैन से नहीं बैठूँगा। इसी वजह से सुल्तान ने 3 साल तक कभी करवट लगा कर ना लेटे। दूसरे दफ़ा फिर उसने अपनी फ़ौज के साथ हजरत मुकद्दस की तरफ लश्कर कशी की, मगर यमू के बंदरगाह पर पहुँचने पर उसने मौसमी हालात का सामना किया और उसे लगा कि ये मज़ीद आगे नहीं जा पाएगा तो वो वापस लौट आया। सलीबी सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी से बेइंतहा खौफ खाते थे, लिहाजा इस बार उन्होंने 12 सलीबी बादशाहों का गठजोड़ किया और सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी पर हमले करने के लिए निकल खड़े हुए। यूँ हतीन के मुकाम पर एक तारीखी जंग हुई जिसे बैटल ऑफ हतीन भी कहा जाता है, जिसमें पूरा यूरोप सलाहुद्दीन अयूबी के मुकाबले पर था। मगर फिर क्या हुआ, इन्हें सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के सामने शिकस्त का सामना करना पड़ा। बाद में जब ये बादशाह सुल्तान के सामने पेश किए गए तो शदीद गर्मी और प्यास के आलम में बुरी तरह थे। वो शदीद प्यास से बेहाल थे तो सुल्तान ने इन्हें पानी पेश किया सिवाय रेजिनाल्ड के। लिहाजा यरूशलेम के बादशाह ने अपना पानी बचाकर रेजिनाल्ड को पेश किया। इसी मौके पर सुल्तान ने रेजिनाल्ड को इस्लाम की दावत दी, मगर उसने इनकार कर दिया।
इस मौके पर सुल्तान ने रेजिनाल्ड को कहा कि मैंने तेरे कत्ल की 2 मरतबा कसम उठाई थी, एक दफ़ा जब तूने लश्कर हजाज मकदस पर हमला किया और दूसरी दफ़ा तब जब तूने हाजियों के काफ़िले को लूटा था और कहा था कि बुलाओ अपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि वो तुम्हें बचा लें, और देख आज हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अदना सा खादिम इस फरीज़े को अंजाम देने लगा है। जिसके बाद सुल्तान ने तलवार उठाई और रेजिनाल्ड की गर्दन उड़ा दी, गर्दन पूरी तरह ना कटी और एक जाने को लटक गई। यह मंजर देखने के बाद वहाँ मौजूद तमाम बादशाहों पर कपकपी तारी हो गई।